तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त फ्लिपकार्ट या अमेज़न से कि आपने जो प्रोडक्ट मंगवाया वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल हटके आया, या उसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, गलत प्रोडक्ट पाने के बाद आप उसको रिटर्न नहीं कर पाए या अपना पैसा वापस नहीं ले पाए? तो आज मैं आपके साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते वक्त, जो कि मुझे, मैंने जो प्रोडक्ट लिया वो बिल्कुल ही गलत आया, और उसके बाद क्या थी इनकी रिफंड की पॉलिसी या रिटर्न की पॉलिसी, इस टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करूँगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको मेरी एक्सपीरियंस से कुछ हेल्प मिल पाए जो कि फ्लिपकार्ट या अमेज़न से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं, यानी कि जो लोग अभी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए करते हैं फिर स्टार्ट। तो मैंने फ्लिपकार्ट से अभी रिसेंटली, एक्चुअली मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड ने दो स्लिंग बैग ऑर्डर किए थे, जिसमें से मैं आपको एक स्लिंग बैग दिखा रही हूँ, और दूसरा जो स्लिंग बैग है वो हमको पसंद नहीं आया था। फर्स्ट जो है ये वाला बैग है, स्लिंग बैग है ये इस तरीके से इसका लॉक है, और ये इसके साथ नॉट दी हुई है इस तरीके से, और इसके साथ ये 3 ज़िप है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसमें छोटी वाली पॉकेट जेब जो होती है, और इसके बैक में भी एक ज़िप है। तो ज़िप की क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो ठीक ठाक है। इसका प्राइस जो है 300 है, बट शिपिंग चार्ज लगा के ये 307 के आसपास कुछ था। और जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि बैग मैंने दो ऑर्डर किए थे, जिसमें से कि एक को मैंने रिप्लेस करवा दिया, तो ये इस तरीके से ये वाला बैग जो है ये काफ़ी अच्छा लगा, और जो दूसरा बैग है उसकी पिक्चर मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि वापस करवाने का क्या रीज़न था, वो भी मैं आपके साथ अभी बताती हूँ। तो पहले ये बैग देख लेते हैं। तो ये इस तरीके का बैग है, लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा है, और प्राइस के अकॉर्डिंग भी ठीक ठाक है। मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा है, बट इतने प्राइस में ये बैग बढ़िया है। बट जो दूसरा बैग है वो जो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो इससे बिल्कुल, ये वाला बैग तो बिल्कुल भी नहीं आया। अगर कलर एक बार चेंज होता तो समझ में आता, लेकिन पैटर्न ही पूरा चेंज होके आया, और ये वाला एज इट इज़ था, ये ठीक आया। तो दूसरे की आप जो मेरी फ्रेंड है जिनके लिए हमने ये बैग परचेज़ किए थे, तो एकदम से पैनिक हो गए कि अरे ये क्या हुआ मेरे साथ। इसके पिक्चर और उस वाले की पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो पैटर्न इन्होंने भेजा फ्लिपकार्ट की तरफ से आया। तो ये वाला पैटर्न है, आप देख सकते हो। तो ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो एकदम से पैनिक हो गई। बट मैंने उनको कहा कि रिलैक्स रहो, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा मैं अभी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती हूँ, और गूगल में मैंने फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया, कस्टमर केयर नंबर पे बात की, और उन्होंने पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या हेल्प कर सकते हैं हम आपकी। तो जो भी वो आपसे पूछते हैं, वो हमने बताया कि हमें इसकी जगह बिल्कुल पैटर्न ही बिल्कुल चेंज होके आ गया, जो हमने पसंद किया था उससे बिल्कुल हटके आया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैम, मैं चेक करती हूँ, और तुरंत ही उन्होंने कुछ ही सेकेंड में उन्होंने पूरी डिटेल बता दी कि हाँ आपने ये वाला ऑर्डर किया था, तो ये आपका सेलर की वजह से प्रॉब्लम हो गई, आप सेलर ने आपको ये वाला बैग नहीं पहुँचाया जो कि आपने ऑर्डर प्लेस किया था, और एक बैग आपके पास आपके अकॉर्डिंग आया है जो कि आपने ऑर्डर किया था वो बिल्कुल ठीक है। हमने कहा जी हाँ। तो उन्होंने बोला कि मैम आप इस बेसिस में हम अभी आपको ये बता रहे हैं कि अभी ये जो आप, हमने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं, मैम रिफ़ंड कर देते हैं। उन्होंने बोला तुरंत कि हम आपका जो है पर्स, जो बैग का पैसे हैं उसको हम रिफ़ंड कर देते हैं। तो हमने बोला कि नहीं, आप हमें जो
पैटर्न हमें पसंद आया था, जो हमने बैग पसंद किया था, ऑर्डर प्लेस किया था जिसके लिए, तो आप हमें वही भिजवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि सॉरी मैम, ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है और अभी है नहीं। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपके रिफ़ंड कर दें। हमने कहा ठीक है, ये ठीक रहेगा, आप हमारे पैसे रिफ़ंड कर दीजिए। तो तुरंत ही उन्होंने बस कुछ डिटेल्स मांगी थी, अकाउंट नंबर जिसमें आप पैसे पहुंचाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, वो वाला अकाउंट नंबर बजाय कुछ डिटेल्स मांगते हैं वो आपसे। और बाकी उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके 5 से 6 दिन के अंदर पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। और अब जैसे कि इस वीडियो को मेरा बनाने का, अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करने का मेरा बस यही मकसद था कि अब जैसे मेरी फ्रेंड है, वो एकदम से पैनिक हो गई, वो एकदम से सोचने लगी अब मैं क्या करूं, मेरे तो पैसे बिल्कुल बर्बाद हो गए, वेस्ट ही हो गए, तो एकदम थोड़ा सा टेंशन में आ गई। तो मैंने उनको समझाया कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हमने पूछा भी कि फ्लिपकार्ट से कि आप जो कस्टमर केयर वाले थे कि आप ये ऐसा क्यों होता है, आपकी तरफ से हमने तो जो ओके किया वो राइट हो गया, लेकिन आया एकदम ही चेंज पैटर्न, ऐसा क्यों? उन्होंने बोला कि मैम ये हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये जो सेलर है, क्योंकि सेलर ही आप तक प्रोडक्ट पहुंचाता है। फ्लिपकार्ट का ये रूल होता है कि सेलर के वहाँ से प्रोडक्ट को उठाना और हम तक पहुंचाना। और फ्लिपकार्ट के थ्रू सेलर का जो प्रोडक्ट है वो सेल होता है, जो कि बायर्स परचेस करते हैं, जैसे कि हम और आप। तो ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ सेलर की वजह से होती है, डायरेक्ट फ्लिपकार्ट की तरफ से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई ऐसा होता है कि अरे बहुत टाइम लग जाएगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा, ये सब करने में भी सोचते कि अरे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट को रख लो। नहीं, अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आई तो दैट्स मीन कि आपको चीज़ नहीं पसंद आई, आप इजीली रिटर्न करवा सकते हैं, क्योंकि उस पर आपका पैसा लगा है। या और जो साइट से, मैं उनके बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, बट जो फ्लिपकार्ट की और अमेज़ोन की कस्टमर केयर सर्विस है वो बहुत ही अच्छी है, वो तुरंत ही आपके क्वेरीज को पूरा करते हैं, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया। और दूसरी चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखिए, जिस फ़ोन नंबर से आपने ऑर्डर प्लेस किया था, कोशिश कीजिए कि उसी नंबर से आप कस्टमर केयर पर बात करें, ताकि उनके पास, इससे क्या होगा कि आपकी जो पूरी डिटेल है ऑर्डर प्लेस करने की, ऑर्डर को बाय करने की, तो वो पूरी डिटेल उनके पास कंप्यूटर स्क्रीन पे उनकी मेंशन हो जाती है, आ जाती है। इससे और भी इजी हो जाता है कि वो आपसे अच्छे से और भी कांटेक्ट कर पाते हैं, आपके कन्वर्सेशन अच्छे से हो पाती है। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आती हूँ मैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक ले इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, तब तक के लिए बाय बाय।